हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। और आज जो है मैं ये ईद का जो पहला दिन था वो उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत काम होते हैं। मैंने क्लीनिंग वगैरह किया और मुझे कुकिंग भी किया मैंने, तो एज़ यूजल ये जो है कुकिंग एंड क्लीनिंग व्लॉग आप लोग बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने जहाँ पर फोल्ड करा कपड़े जो कि बाहर पड़े थे वो सब लाए, मैंने फोल्ड करके रख दिया अपनी जगह। फिर ये सब जहाँ पर मुझे क्लीनिंग करना था मैंने सारे क्लीन किया, पूरा घर साफ़ किया, क्योंकि ईद का पहला दिन होता है, बहुत काम होते हैं, अकेले मैं होती हूँ यहाँ पे, तो सब कुछ तो एक साथ ही करना पड़ता है, क्लीनिंग कुकिंग सब करना पड़ता है। जितना हो सके मैं जो है फर्स्ट डे करके रख देती हूँ, कुकिंग भी मैं करके रखती हूँ फर्स्ट डे ही, ताकि मुझे ईद का दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े। और इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट हाफ कुक तो मैं हर चीज़ का करके रख दूँ। तो यहाँ पे ना मैं बनाने लग गई थी चिकन रोस्ट, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो आप हो सके तो पहले दिन ही बनाओ, जिस दिन आपको खाना होता है ना, अगर आपको सुबह खाना है तो रात को बना लो, इस टाइप का आप बनाओ, बहुत टेस्टी बनता है। इस रेसिपी के लिए आपको पहले चिकन को फ्राई कर लेना पड़ता है, जैसे कि मसाला डाल के, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं होते, हल्दी लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और रेड चिली पाउडर, ये सब डाल के फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने पूरा रेसिपी आपको बताया है, आप लोग देख लेना। इसी ऑयल में मैं ये किशमिश भी डाल रही हूँ, गर्म कर दिया था क्योंकि ज़्यादा ही गर्म हो गया था कढ़ाई, तो इसी में मैं जो है किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। और इसी में मैं ढेर सारे कैशू नट भी ऐड करूँगी, जो कि है काजू, तो ये सब ऐड करूँगी। साथ ही मैं ये जो है कुक करती हूँ, इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करके, नहीं करनी है थोड़ा सा ही, इसी में मैं शॉक किया हुआ गार्लिक ऐड कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा जो फ्राई करनी है, किशमिश थोड़ा सा हो गया ब्राउन, कोई दिक्कत नहीं होते। इसमें मैं पेस्ट प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ग्राइंड किया हुआ और इसमें मैं ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी ही डालना है इसमें, जो तीखी वाली वो नहीं डालनी है। इसमें सिर्फ कलर ऐड करने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज करती हूँ, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जो प्याज के पानी थी उसको ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, उसको अच्छी तरह लग जाए। इसको अभी हमें थोड़ा सा भूनना पड़ेगा, जैसे कि उसका रोगन जो है उसे निकालना है अभी हमें, तो इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। इसका मेन हीरो जो है वो है केचप, जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, लेकिन बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। डन है केचप का जो फ्लेवर है यहाँ पे आना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि सिर्फ केचप खा रहे हो, इतना टेस्ट नहीं आना पड़ेगा सकता। देख सकते हो थोड़ा सा जो है रोगन आना स्टार्ट हो गया, इसमें ऑयल हो रही है, तो उसका एक्स्ट्रा ऑयल हो रहा है ऑयलिंग, तो इसमें अभी चिकन जो है वो ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ा सा पानी थोड़ा लगाना है, क्योंकि इस ग्रेवी को मुझे और भूनना है।
चाहे तो आप भी ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि जितना जो है ग्रेवी जितना भुना जाता है उतना ही टेस्टी होता है खाने में। यहाँ पे आप चाहे थोड़ा सा ये भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं ऐड करूँगी चीनी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पे हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ। इसका टेस्ट जो है ना खट्टा मीठा सा होता है और तीखा भी थोड़ा सा ऐड होता है। सच्चा बहुत ज़्यादा आपको तीखा पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे खा नहीं पाते बाद में। अभी जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। और यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ लेमन। इसको इसमें मैं लेमन स्क्वीज करके डाल रही हूँ ताकि इसमें खट्टा सा भी हो। इसका टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इस बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी होते हैं। इसको एक बार ज़रूर बनाना। ये मेरे घर पे तो बनती है, मैं मेरी घर पे और इसमें आई लव इट। इसका टेस्ट बहुत टेस्टी होता है। पुलाव के साथ, रोटी के साथ या किसी के साथ नान पराठा खा सकते हो, बहुत टेस्टी होता है इसका। और इसको थोड़ा सा जो है इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे और इसको गैस में बंद कर दूँगी।